हेलो देयर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये जो आप गाड़ियाँ भी रनिंग में देख रहे हैं, दैट इज़ द मच टॉक्ड अबाउट कार राइट नाउ इन इंडियन कार मार्केट, XUV 3XO। और दिस इज़ द फेस लिफ्ट ऑफ महिंद्रा XUV 300। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए महिंद्रा ने 300 से 3XO में। दे हैव मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस, मीन्स उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी हैं, जो मैंने अपनी सारी वीडियोस में आप लोगों को बता दिया है। आप मेरी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। लेकिन आज फ्रेंड्स, पर्टिकुलर हमारा क्या टॉपिक रहेगा, वील बी डिस्कसिंग टू वेरी स्पेशल वेरियंट्स, बिल्कुल जो अभी तक किसी ने भी इसके बारे में, दोनों के बारे में एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं किया। सो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि अगर कोई इन दोनों को डिस्कस कर रहा है। सो लेट मी टेल यू, हम इसके एकदम प्रॉपर बेस जो MX-1 है, वील बी कंपेयरिंग इट विद AX7L, जो दो लग्जरी लाइन का वेरिएंट है। सो हम इन दोनों को आज प्रॉपर कंपेयर करेंगे। और अगर आप वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप दोनों के कंपैरिजंस को, मींस जो दोनों के व्हाट ऑल डिफरेंसेस आर देयर, आप अच्छे से समझ पाएंगे। वील टॉक अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ द कार, साथ में हम इसके इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, साथ में आपको स्पेक्स वगैरह, एवरेज ऑन रोड प्राइसिंग एंड ऑल, जो भी इसका रिलेवेंट इन्फो है मैं आपको सारा दूंगा। सो प्लीज़ डू वॉच टिल द एंड, अगर आपको प्रॉपर सारा डिटेलिंग का नॉलेज इसके बारे में दोनों गाड़ियों के डिफरेंस के साथ साथ चाहिए। मैं साथ में दोनों गाड़ियाँ आपके लिए रनिंग में भी लगाऊंगा, सो दैट आपको साथ में विजुअलाइजेशन भी गाड़ी का आए, साथ साथ बात करते करते आप गाड़ी को देख भी पाएँ। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, इट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एक सेकेंड लगेगा इफ़ यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, बट हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे हमें काम करने का और ज़्यादा पुश मिल जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम फ्रेंड्स, वीडियो छोटी ही रहेगी आज की, सो एंड तक देख पाएं आप, और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट AX7L प्रीमियम, जो इसकी बिल्कुल लग्जरी लाइन की गाड़ी है। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बताने के लिए। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको क्या मिल जाता है, आपको इसके अंदर पेनारोमिक सनरूफ मिल जाती है, विच इज़ फर्स्ट इन द सेगमेंट, मीन्स कॉम्पैक्ट SUVs में ये फर्स्ट टाइम है कि पेनारोमिक सनरूफ डाली गई है। साथ में आपको Level 2 का अडास मिल जाता है। इसके अंदर आपको हाई लेवल का अडास मिल रहा है, मीन्स इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्राइविंग के असिस्ट वगैरह एंड ऑल द फीचर जो भी Level 2 अडास के होते हैं वो सब मिलेंगे। साथ में आपको फ्रेंड्स डबल आपको इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC मिल जाएगा, आपको ऑटोमेटिक हैंडब्रेक मिल जाएगी, आपको ऑटो होल्ड मिल जाएगा, साथ में आपको लेदर राइड की सीट्स मिलेंगी गाड़ी के अंदर फ्रेंड्स। उसके साथ आपको जो है वो ट्रिम के आपके हैंडल्स जो होंगे इसके अंदर सिल्वर रंग के होंगे, मींस इनर साइड के हैंडल्स वो आपके सिल्वर रंग के रहेंगे। आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाएगा इसके अंदर गाड़ी के अंदर। देन यू विल बी गेटिंग आगे जो आपका हेडलाइट रहेगा दैट विल बी LED सेटअप। आपको साथ में फॉग लाइट्स भी मिलेंगी दैट विल बी LED। आपको पीछे रियर कनेक्टेड में आपको LED टेल लैम्प भी मिलेगा, मीन्स ऑन द डिग्गी ऑल्सो विल गेट द टेल लैम्प। मैं आपको साथ साथ सारी जो भी डिटेलिंग है वो बताता जाऊंगा, साथ में आपको प्रॉपर की समझ में आ पाए फ्रेंड्स। और आपको उस गाड़ी के अंदर क्या मिल जाएगा, आपको जो पीछे है बैक लाइट्स मिलेंगी वो भी LED ही रहेंगी। फॉग लाइट इसके अंदर आ रही है, बाकी जो AX5 वगैरह है उनके अंदर भी नहीं आती है फॉग लाइट्स लगी हुई, बट इट इज़ एन एक्सटीरियर एड ऑन एज वेल, आप बाहर से भी लगवा सकते हो इफ़ यू विश फॉग लाइट्स आपकी गाड़ी के अंदर हो। साथ में इसके जो आपको इंडिकेटर्स हैं दैट विल बी ऑल्सो DRL वाला, मीन्स द वंस विच आर प्रेजेंट ऑन मीन्स नियर द हेडलाइट वाले, ये आपको इसके अंदर फीचर्स रहेंगे। आपको इसके अंदर रूफ रेल्स लगी आ जाएंगी और आपको इसके अंदर हार्मन कार्डन का सिस्टम रहेगा। साथ में 6 स्पीकर्स मिलेंगे आपको गाड़ी के अंदर, जो आपको नीचे के वेरिएंट्स में मीन्स MX लाइन वगैरह की गाड़ियों में नहीं मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो आपकी बात हो गई। देखो, आई हैव ओनली टोल्ड मोटा मोटा जो इसके स्पेक्स हैं वो बताए हैं, वरना अगर इन डेप्थ करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको इसके मैकेनिक्स भी बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह भी आ रहा है, साथ में आपको यहाँ पे आपको अडास के कंट्रोलर्स आएंगे, क्रूज कंट्रोल आएगा लेफ्ट साइड ऑन द माउंट ऑफ द स्टीयरिंग, आपको म्यूजिक के आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू कि आपको इसके अंदर गाड़ी के इंजन्स क्या क्या मिल रहे हैं। TGDI मिल रहा है आपको इन पेट्रोल एंड CRDE टर्बो वाला इंजन आपको मिल रहा है फॉर द डीजल। दोनों ही इंजन्स टर्बो रहेंगे, जो पेट्रोल वाला इंजन है दैट इज़ द रिफाइंड इंजन TGDI। उसके अंदर आपको काफ़ी हाई पावर मिल रही है, दैट इज़ अराउंड जो आपको पावर मिल रही है अराउंड 96 किलोवाट्स की, दैट इज़ अ टोटल बजूका, जो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा भागेगी इफ़ यू टेक इन द पेट्रोल। और इसमें आपको दोनों मिल जाएगा, मैनुअल भी ऑटोमेटिक भी। और इसके अंदर आपको जो टॉर्क रह रही है दैट इज़ 230 Nm फॉर, आई एम टॉकिंग अबाउट द AX7L पेट्रोल वाली।
और व्हेन टॉकिंग अबाउट द डीजल वाली गाड़ी मींस द CRDE टर्बो डीजल इंजन, इसके अंदर आपको जो टॉर्क मिल रही है दैट इज अराउंड 85 किलोवाट, सॉरी जो आपको पावर मिल रही है 85 किलोवाट, और टॉर्क जो आपको मिल रही है दैट इज 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ये भी बहुत अच्छा स्पेक है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो कैच है फ्रॉम जितने भी इसमें वेरिएंट्स है डीजल में सब में सेम ही इंजन दिया गया है, मींस आप MX2 भी लोगे और अगर आप AX7L भी लोगे तो सेम ही इंजन मिल रहा है, उसमें दो टाइप का इंजन नहीं है लाइक यू आर गेटिंग इन द पेट्रोल वाला। तो ये आपकी बात होगी फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता दूँ इसकी एवरेज क्या रहती है गाड़ी में फ्रेंड्स, इन इफ टॉकिंग अबाउट द पेट्रोल मैनुअल का एवरेज दैट इज फॉर द सिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द AI1, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल वाला, दैट इज अराउंड 13 से 14 इन द सिटीज एंड 17 टू 19 ऑन द हाईवेज। यस, मतलब इसकी एवरेज अच्छी है इन पेट्रोल ऑल्सो, नॉट मच डिफरेंस इन डीजल एवरेज ऑल्सो, तो आप जो भी ले सकते हैं चाहे तो। और साथ में क्योंकि पावर आपको मिल रही है पेट्रोल TGDI इंजन में ज़्यादा, सो द पीपल हु आर पावर फ्रेंजी, तो आपको पेट्रोल TGDI आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये आपकी माइलेज की भी बात होगी। ऑन रोड प्राइसिंग इसकी क्या रहती है फ्रेंड्स, जो इसका AX7L का आपको पेट्रोल मैनुअल मिलता है उसका प्राइस अराउंड 15 लाख रुपए है एक्स शोरूम, और जो प्राइस जाता है इफ़ यू टेक AX7L ऑटोमेटिक वाला वो 15.5 लाख तक है, और ये उसका ऑन रोड रहेगा 17,60,000 रुपये के आसपास का। तो गाड़ी काफ़ी एक्सपेंसिव है, प्रॉपर लग्जूरियस भी है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको A to Z बता दिया AX7L के बारे में। नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन टू MX1 जो इसका प्रॉपर बेस है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, वो सारे फीचर्स आपको जो लग्जूरियस फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट ये गाड़ी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा फर्क नहीं है एक्सटीरियर में तो ना के बराबर ही फर्क रहेगा। हाँ, अगर आप रूफ रेल्स बाहर से लगवा लोगे तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बता पाएगा कि गाड़ी में क्या फ़र्क है। इसमें आपको बाय हेलोजन हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, LED वाले नहीं मिल रहे, आपको DRL नहीं मिल रहा है फ्रंट इंडिकेटर पे, साथ में आपको जो है फॉग लाइट भी नहीं मिल रही है इसके अंदर, लेकिन जो सेटअप हेलोजन का भी है वो काफ़ी अच्छा है, इट लुक्स गुड। आपको जो रेट मैं जब बताऊंगा तो ऑलमोस्ट हाफ है उसके, तो इसमें उतने में आप 2 MX1 ले लो या आप 1 AX7L ले सकते हो ऑटोमेटिक वाली। इसके अंदर आपको साथ में और क्या आ रहा है फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे जो सारे में ही सेम रहेंगे इसके अंदर, दैट इज़ अ गुड थिंग। आपको पीछे का AC का वेंट मिल जाएगा MX1 के अंदर, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं लगा आता, यू कैन गेट इट एज एन एड ऑन, आप बाहर से लगवा सकते हो कोई अच्छा सिस्टम इफ़ यू वांट। देखो, कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी अच्छी है। उसके अंदर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स लगे आ रहे थे, इसके अंदर आपको 16 इंच की रिम लगी आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सटर्नल एड ऑन, आप महिंद्रा के शोरूम से भी लगवा सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन 17 इंच का टायर, तो आपको वो भी एड ऑन करके दे देंगे फॉर कॉस्ट ऑब्वियसली। तो ये आपकी बात हो गई टायर्स की फ्रेंड्स। मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें चारों पावर विंडोज रहेंगी बेस मॉडल में भी, ट्रम्पेट हॉर्न यूर गेटिंग, दैट इज़ अ लाउड वाला हॉर्न, दैट इज़ अ ट्रेडमार्क महिंद्रा का हॉर्न, ये अच्छा रहता है, मींस लाउड साउंड होती है इसकी काफ़ी। आप बाहर अंदर तो केबिन के अंदर वॉइस कम आती है महिंद्रा की गाड़ियों की, लेकिन बाहर आपको अच्छी वॉइस सुनने को मिल जाती है अगर आप बाहर खड़े होकर सुनेंगे। साथ में आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको फैब्रिक की सीट्स मिलेंगी, आपको लेदराइट की सीट्स नहीं मिलेंगी, और आपको 1 touch down मिल जाएगा पावर विंडो ड्राइवर साइड वाला, आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाएगी, पीछे के AC के वेंट्स मिल रहे हैं, AC का फ्लो बहुत अच्छा है गाड़ी का, और इसके अंदर साथ में आपको जो है वो पीछे 60x40 की स्प्लिट सीट मिल जाती है टू इंक्रीज द स्पेस की, आप अगर सूटकेस वगैरह रखना चाहते हैं, जो आपको नॉर्मल बूट स्पेस मिल रहा है गाड़ी के अंदर विदाउट सीट नीचे करे हुए वो आपको अराउंड 360 to 365 liter का मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ, बुरा नहीं है, मीन्स आप 2 suitcases आराम से इसके अंदर फिट कर सकते हो। साथ में फ्रेंड्स, आपको और क्या मिल रहा है गाड़ी के अंदर, आपको जो साइड मिरर्स हैं उसके ऊपर ही आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, दैट लुक्स लग्जूरियस। और इस गाड़ी के अंदर आपको रूफिल्स नहीं मिलती हैं लगी हुई, आप वो भी आपको एड ऑन है, आप बाहर से लगवा सकते हो। 16 इंच के टायर को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो, यू कैन लाइक गेट इट इंक्रीमेंटेड, आप उसको ऊपर एक लेवल कर सकते हो, 17 इंच तक सपोर्ट कर रहा है महिंद्रा, तो आप लगवा सकते हो इफ़ यू वांट। 16 के साथ भी बुरी नहीं लगती है गाड़ी, क्योंकि बाकी भी सारी जो गाड़ियाँ सेल्टोस वगैरह उनमें 16 इंच का ही आता है, 17 इंच का इन्होंने, दिस इज ऑलमोस्ट फर्स्ट इन द सेगमेंट, तो इन्होंने जो 17 इंच का निकाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने ये आपको सारा फीचर्स का बता दिया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका आपको इंजन क्या आ रहा है, 1.2 लीटर का TCM PFI इंजन आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। इसका
पावर है 82 किलोवाट, पावर भी बुरी नहीं है, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, दोनों का आप टॉर्क फर्क करोगे अगर गाड़ियों का तो 30 न्यूटन मीटर का है, विच इज़ नॉट टू मच, और साथ में हाँ लेकिन पावर का फर्क आ रहा है फ्रॉम 82 यूर गेटिंग 96, तो पावर का काफ़ी ज़्यादा फर्क हो गया। साथ में आपको एवरेज क्या है, एवरेज इस गाड़ी में थोड़ी सी डाउन मिलेगी एक या डेढ़ पॉइंट, दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ग्यूबल क्वेश्चन, ये भी एग्जैक्ट नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जितना स्टडी करी गई है इसकी एवरेज आपको 13 के आसपास की रह रही है इन द सिटी, और हाईवे पे 17-18 की रह रही है, तो एक किलोमीटर या डेढ़ किलोमीटर का फर्क दोनों में है, कम है इसकी कंपेयरिंग विद AX7L, पेट्रोल वाले की ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, ऑन रोड प्राइस इट इज़ लाइक अ स्टील, आपको 7.5 लाख एक्स शोरूम पड़ रहा है और 8.65 के आसपास की आपको पड़ रही है ऑन रोड, विच इज़ जो मैं कहता हूँ स्टील डील है। तो इस रेंज में अगर आपको ऐसी गाड़ी जो 201 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है और इतनी बाहर से बल्की लग रही है देखने में, आप ब्लैक कलर में MX1 ले लो भाई, क्या कतल गाड़ी लगेगी, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या लगेगी भाई, कोई बता भी नहीं पाएगा। अगर आप छोटी मोटी एनहेंसमेंट्स करा लोगे गाड़ी के अंदर, मीन्स फॉगलाइट वगैरह, या अगर आप इसको पीछे ऑन द डिकी यू गेट टेल लैंप्स इंस्टॉल्ड साथ में आप अलॉय, आई डोंट थिंक कोई आसानी से बता पाएगा, जब तक कोई ऊपर रूफ नहीं देख लेता तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये कौन सा वेरिएंट है। सो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हूँ दोनों में डिफरेंस, एंड कीपिंग द वीडियो शॉर्ट, हंसते रहिए फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय बाय फ्रेंड्स।